फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ काव्या और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक DIY क्रीम बोल सकते हो या सिरम बोल सकते हो। और ये क्रीम है एंटी एजिंग और नाइट क्रीम है। और ये इसका जो रिजल्ट आता है, आप अगर इसको रेगुलर यूज करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इतना अच्छा रिजल्ट आता है। मुझे खुद पर्सनली, मैंने ये जब से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मिले हैं। और ये मैंने बनाई है, देखिए ये इस टाइप की है। बहुत ही इसका मीन्स जो टेक्सचर, उसको लगाने के बाद ये तुरंत ही अपने स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और एक ग्लोई फेस हो जाता है। और अगर आपके फेस पे अगर डार्क स्पॉट है या पिगमेंटेशन है या रिंकल्स है तो उसको भी कम करने में बहुत ही मदद करेगी। इसके इंग्रेडिएंट्स वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, मार्केट से भी मिल जाएंगे आपको आसानी से, और थोड़े बहुत तो आपको घर भी ही मिल जाएंगे। अभी इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अब सीधा चलते हैं ट्यूटोरियल पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है रोज़ वाटर डाबर का, आप कोई भी ले सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है ग्रीन एप्पल जेल गुड वाइब का। अगर आपको ये स्किप करना हो तो आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको ये चाहिए तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद मैंने लिया है ग्लिसरीन, इसका जो बेस है मेन एलोवेरा जेल। उसके बाद मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, और उसके बाद मैंने लिया है स्वीट बादाम तेल। ये सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने एक एम्प्टी कंटेनर लिया है। अभी इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एलोवेरा जेल 1 चम्मच। अगर आप ग्रीन एप्पल जेल नहीं डाल रहे तो आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दीजिए। एलोवेरा जेल में एंटी एजिंग होता है, वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, जो स्किन का टेक्सचर होता है उसे बेटर करता है। ग्रीन एप्पल जेल जो होता है उसमें हमारी जो स्किन जो डल हो जाती है उसे दूर करता है। एंटी एजिंग है ये भी, इसलिए मैंने इसको इसमें यूज़ किया है। इसका भी 1 चम्मच। इसके बाद मैंने रोज़ वाटर के 2 चम्मच डाले। रोज़ वाटर जो है वो हमारे जो एक्ने होते हैं उसको रिमूव करता है। एक्स्ट्रा ऑयल हमारे जो फेस पे होता है ऑयल डर्ट, उसको रिमूव करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है और रिफ्रेश लुक लाता है। फिर कोकोनट ऑयल होता है, उसमें भी हमारे जो फेस को मॉइस्चराइज करता है, जो एक्ने और स्कार होते हैं उसको दूर करता है। उसके बाद हम डालेंगे बादाम का 1 चम्मच तेल। बादाम के तेल में विटामिन ई और ए होता है, वो हमारे सन टैन को रिमूव करता है और स्किन को लाइटनिंग करने में मदद करता है। उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होता है हमारे जो फेस पे एक्स्ट्रा डर्ट होती है ऑयल होती है उसको रिमूव करता है। जो फेस पे डार्क स्पॉट है या मार्क है उसको भी हमें रिमूव करने में बहुत मदद करता है। अभी ये सब को मिक्स करके एक अच्छे से जेल बना दीजिए, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको हम 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और डेली आपको टोनर के बाद इसे लगाना है फेस पे नाइट क्रीम, और सुबह फिर आपको नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। देखिए मैं अभी इसको अप्लाई करके बताऊंगी। मैंने फेस पे अभी सिर्फ फेस वॉश किया है और उसके बाद अभी टोनिंग के बाद मैं अभी इसको फेस पे लगा के दिखाऊंगी। अभी देखिए हाथ पे आप देख सकते हैं, और ये इतना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन में। जो ऑयली वाले हैं, जैसे ऑयली स्किन वाले हैं, उनको हमें जैसे आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच रोज़ वाटर, आप इसे भी मिक्स करके एज ए नाइट क्रीम लगा सकते हो। और अदरवाइज़ आप जो मैंने जो बनाया है सिरम, उसमें जो बादाम तेल है, पैराशूट ऑयल है, कोकोनट ऑयल और ग्लिसरीन, इसका आप आधा आधा चम्मच ही डालिए और उसके बाद आप उसको यूज़ करोगे 2 चम्मच रोज़ वाटर और 2 चम्मच एलोवेरा जेल, तो आपका भी ये सेम फेस सिरम बन जाएगा, नाइट फेस सिरम ऑयली स्किन के लिए। देखिए मैंने फेस पे अच्छे से लगा लिया उसको,
और ये तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है और एक अच्छा ग्लो देता है फेस पे। हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे इसको आप लगाओगे तो। देखिए मैंने लगा लिया है। और अगर आपको ये मेरी अभी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जाके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।